काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। कांग्रेस की एकजुटता और 13 तारीख को भोपाल में कांग्रेस के होने वाले विशाल प्रदर्शन से पहले ही कांग्रेस की फूट एक बार फिर से नजर आई। इस बार गांधी भवन में हुई बैठक में इतना हंगामा हुआ कि कांग्रेस के जिला प्रभारी कैलाश कुंडल बैठक छोड़कर बाहर चले गए। कांग्रेस के पार्षद इकबाल कुरैशी ने मंच से ही कैलाश कुंडल पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि जिले की सारी फूट और जो भी गुटबाजी सामने आ रही है उसके पीछे कैलाश कुंडल है। इस बात को लेकर के नाराज कैलाश कुंडल बैठक से बाहर चले गए। आपका नाम आ रहा है बार बार, हरकत हो रही है। आपके पास सारे वीडियो हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास उससे नहीं होगी जितना आपके पास है। सारे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है। ना मैं गुटबाजी करने आया हूँ, ना यह राजनीति करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य कांग्रेस साथ तीन विधानसभा की बैठक करके आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है, सब शांतिपूर्वक हुई बैठक, बहुत अच्छी हुई। आप पर व्यक्तिगत क्यों आरोप लगा रहे हैं? अब यह उसका जवाब तो वो दे पाएंगे, सब मैं क्या जवाब दूँ? अब उनको मुझसे क्या तकलीफ है, जवाब वो दे पाएंगे। खंडवा में कांग्रेस फेसबुक पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, एक दूसरे पर नहीं देखिए, आप भरोसा करिए, अगले महीने कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस का विधायक भी बनाएंगे। कांग्रेस होल्ड पर कब तक रहेगी? अध्यक्ष तो है, कांग्रेस भी होल्ड नहीं, वो हमारी बातें ऊपर हुई हैं, बहुत जल्द ये 13 तारीख का भी निपट जाए, उसके बाद इन चीज़ों का निराकरण कर दिया जाएगा। दो दो बस खाली होल्ड पर ले जाएंगे, होल्ड पर क्या नया चेहरा या युवा चेहरा सामने आएगा? अभी ये मैं नहीं कह पाऊंगा कौन चेहरा।
हाँ पार्षद जी बताइए, आज क्या विषय था और किसको लेकर के आपने विरोध किया बैठक का? हमारा विषय 13 तारीख के दिन भोपाल जाने का है, उसी की रूपरेखा बना रहे थे हम लोग। सब इकट्ठे होकर विचार एक कर रहे थे कि हमको कैसी व्यवस्था से जाना है। अब हम अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, हमने अपनी दर्द हमने पीड़ित बताई हमारी कि कुंडल जी आपके नेतृत्व में बहुत कांग्रेस कमजोर हो गई है, आपका नेतृत्व जो है चंद लोगों के लिए है, ना कि 90-95% कांग्रेसी आपसे दूर है, आपकी विचारधारा से दूर है, क्योंकि हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं जमीन से लेकर ऊपर तक। जब कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तो नेता कैसे मजबूत होगा? जब कार्यकर्ता अपने बूथों को मजबूत नहीं करेगा तो कैसे मजबूत होगा? जब कार्यकर्ता इकट्ठा होकर 13 तारीख के दिन वहाँ पहुँचेगा तो आंदोलन सक्सेस होगा। जब वो कार्यकर्ता की बात ही नहीं सुनना चाहते, जब कार्यकर्ता खड़े होकर बोलने लगे तो कुंडल जी भागने लगे। आपने ऐसा क्या कह दिया कि कुंडल जी? मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस को गाड़ने का काम, तोड़ने का काम, खत्म करने का काम किसी का ज्यादा सिरे जाता है तो कुंडल कैलाश कुंडल जी को जाता है। और उसके अलावा आपको क्या लगता है क्या कारण है गुटबाजी का कांग्रेस में? गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, सिर्फ ये व्यक्ति आकर मट्ठा डालने का काम कर रहा है, वो वाहिद एक नाम है कुंडल कैलाश कुंडल कैलाश कुंडल। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमको 13 तारीख के दिन जाना है भोपाल घेराव करने के लिए, अगला कदम हमारा। हाँ अंकित जी बताइए, आज क्या विषय को लेकर के बैठक थी और क्या हो गया ये सारा मसला? विषय 13 तारीख को राजभवन के घेराव को लेकर के बैठक थी, लेकिन एक विषय एक ऐसा चल गया खंडवा शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी को लेकर के, और कुंडल जी के ऊपर आरोप लगने लगे। तमाम ऐसे वाद विवाद को देखते हुए कुंडल जी ने मीटिंग जो है स्थगित की है और वो यहाँ से उठ करके चले गए। आपके पास अभी वर्तमान में क्या पद है और किस जिम्मेदारी को लेकर के विरोध जताया? मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ, इंदौर का प्रभारी हूँ, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी के नेतृत्व में खरगोन जिले का सह प्रभारी हूँ, जहाँ 6 विधानसभा मेरे अंदर में आती है। और ये तमाम स्थितियाँ आपके सामने हैं, किस तरह से गांधी भवन के अंदर का विवाद आज सड़कों पर उतर आया है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को ये नेतृत्व और फैसला लेने की जवाबदारी आ चुकी है कि अब वो अनुशासन जो है बिगड़ रहा है उसको लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पर अपने एक्शन मोड में।